तो ये आप देख सकते हैं जो फ्लैश का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आज हमारे साथ यहाँ पे ऑल न्यू हमारी रेडर 125। तो फ्रेंड्स इसका जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था बाइक में, स्टार्टिंग के बाद थोड़ा सा बाइक जो है एक्सेलरेटर हल्का छोड़ रही थी। तो उसके लिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे जो है हम आए हुए हैं शोरूम पे, मतलब सर्विस सेंटर पे, और यहाँ पे अभी इसमें अपडेट होगा, ECU अपडेट होगा या फिर फ्लैश होगा, क्या होगा हम देखते हैं। तो अभी हम काम करवाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। हमारे साथ फिर से सफदर भैया हैं, और अभी यहाँ पे जो है वो टैबलेट वगैरह इसमें लगेगा, मतलब स्कैन होगा प्रॉपर, उसके बाद यहाँ पे न्यू अपडेट जो है वो इंस्टॉल होगा या फिर यहाँ पे ECU अपडेट होगा या फ्लैश करेंगे, वो अभी हम पूछ लेंगे सफदर भैया से कि क्या करने वाले हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है या नहीं। क्योंकि अभी सफदर भैया बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी भी मतलब जो भी बाइक्स में प्रॉब्लम आ रहा है उसमें यही वो प्रोसेस कर रहे हैं तो ठीक हो जा रहा है। तो अभी पूरा प्रोसेस हम देखते हैं कि क्या रहेगा, मतलब फ्लैश करिएगा या नया सॉफ्टवेयर डालिएगा? पूरा फ्लैश, तो फ्लैश ही होगा यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जल्दी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे 4 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो सपोर्ट बनाएं ऐसे ही ताकि हमें भी लगे कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैनर जो है वो लग चुका है, और अभी स्कैनिंग जो है वो यहाँ पे चालू है टैबलेट में। आप देख सकते हैं रेडर जो है वो बन के आ भी रहा है, स्कैन भी हो रहा है पूरा। ECU देख सकते हैं आप, यहाँ पे फ्लैश हो रहा है ना। तो ये आप देख सकते हैं जो फ्लैश का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। बोल दिए कर रहा हूँ, नहीं दिनों में समय लगेगा नहीं फ्लैश में ना। तो अभी इसमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगने वाला है, तो अभी हम फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे आपको, बाकी आप यहाँ से प्रोसेस देख लीजिए। अभी 1% हुआ है, तो अभी फ्रेंड्स बाइक हमारा फ्लैश होता है, उसके बाद आपसे अब हम मिलते हैं, देखते हैं कितना टाइम इसमें लगेगा। अभी यहाँ पे जो है वो लगभग में 20% हुआ है, 22%, अच्छे स्पीड से बढ़ रहा है। अब जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व होता है या फिर नहीं होता है। मतलब फ्लैश होने के बाद 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है, उसके बाद से फिर स्टार्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। निकालना इसको निकाल के, हाँ, 1-2 मिनट छोड़ दिए सर्विस ऑफ करके, उसके बाद स्टार्ट करके अच्छा। तो ठीक है, फ्लैश होता है, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है वो फ्लैश कंप्लीट हो गया है पूरा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे फ्लैश स्टेटस 100% और ECU रीसेट भी हो गया हमारा 100%। तो ये कंप्लीट हो गया, और हमला कंप्लीट होने के बाद मतलब हमने जो 5 मिनट वेट भी कर लिया है, तो अब हम इसे खोल देंगे। तो खोल दिए भाई, तो अभी ये खुल जाएगा, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि बाइक का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हुआ है हमारा या फिर नहीं हुआ है। नहीं सफदर भाई जरा, हाँ 5 मिनट हो गया। अब देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। ऑटो स्टार्ट भी काम नहीं कर रहा था, बीमारी है। तो इंजन चेक लाइट तो बंद हो गया है, और बाइक जो है अभी यहाँ पे मतलब पेट्रोल नहीं है इसीलिए लो फ्यूल इंडिकेटर शो कर रहा है। बाकी चेक लाइट जो है वो बंद हो गया, बाइक को राइड करेंगे तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ है या नहीं। तो चलिए अब राइड करते हैं, उसके बाद आपसे अब हम मिलेंगे राइड के बाद, मतलब राइड करते हुए हमें बताते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अब एक बार हम राइड करके देख लेते हैं प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ है या नहीं। अभी फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं यहाँ से। इको मोड में ही हम बाइक को राइड करेंगे और चेक करते हैं कि ऑटो स्टार्ट वाला जो फंक्शन है वो काम कर रहा है या नहीं। तो काफ़ी लोगों को ये वाला जो प्रॉब्लम है वो आ रहा था, तो सभी लोग जो है वो कमेंट कर रहे थे, और मुझे भी फ्रेंड्स स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आया था, फिर ठीक हो गया था, फिर प्रॉब्लम आने लगा था। तो फ्रेंड्स 2-3 बार मतलब मैंने भी यहाँ पे सर्विस सेंटर का चक्कर काटा, बट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा था। तो आज फाइनली जो है यहाँ पे मतलब हमने ECU फ्लैश करवाया है, अब चांसेस है कि मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गया हो।
अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप भी फ्रेंड्स इसे ट्राई कर सकते हैं, सकता है फ्रेंड्स आपका भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो चलिए थोड़ा सा हम पुल करते हैं बाइक को, देखते हैं प्रॉब्लम जो है वो अभी भी है या गया। फाइनली फ्रेंड्स ऑटो स्टार्ट वाला जो लोगो है वो बनने लगा है और फीचर भी शायद काम करने ही लगा होगा, क्योंकि इससे पहले तो जो है ऑटो स्टार्ट का लोगो ही नहीं बन रहा था। तो अभी जो है वो फ्रेंड्स हम एक बार यहाँ पे देखते हैं, चेक करके भी कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। रोक दिए हम बाइक को, अब देखते हैं बाइक ऑफ होता है या नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं ब्लिंक करने लगा है और बाइक यहाँ पे बंद हो चुका है। अब एक्सेलरेटर को हम थोड़ा रोटेट करके देखते हैं बाइक स्टार्ट होता है या नहीं। तो बाइक स्टार्ट भी हो गया है, मतलब ऑटो स्टार्ट वाला जो फीचर है वो अच्छे ढंग से यहाँ पे काम कर रहा है और एक्सेलरेटर जो छोड़ रहा था वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है हमारा। तो अभी तो फ्रेंड्स देखा जाए तो लग रहा है कि बाइक जो है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। कुछ दिन बाद मैं इसका एक और रिव्यू आपके लिए ले आऊँगा कि जो प्रॉब्लम है वो मतलब फिर भी अभी है या गया परमानेंट के लिए। तो आज के वीडियो में बस यही था, मिलेंगे आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, थैंक यू फ्रेंड्स।